नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर IPL 2021 की नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 292 खिलाड़ियों में शामिल हैं। IPL 2021 के लिए नीलामी 18 फरवरी को चेन्नई में होगी। क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अर्जुन को मुंबई इंडियंस टीम ही खरीदे। उससे पहले अर्जुन ने अपने आप को साबित करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। मुंबई में रविवार को 73वें पुलिस आमंत्रण शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए का मुकाबला था। दूसरे दौर के उस मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने 31 गेंद में नाबाद 77 रन की पारी खेली और 41 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके प्रदर्शन की बदौलत MIG क्रिकेट क्लब ने इस्लाम जिमखाना को 194 रन से करारी शिकस्त दी। यह टूर्नामेंट मुंबई क्रिकेट संघ MCA के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के बाद शहर में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता है। 21 वर्षीय अर्जुन ने अपनी शानदार पारी के दौरान 5 चौके और 8 छक्के लगाए। उन्होंने ऑफ स्पिनर हाशिर दाफेदार के एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ दिए। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? अर्जुन तेंदुलकर IPL में किस टीम की तरफ से खेलें? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।